किसान परेड में शामिल होने की खातिर हल्का गिद्दड़बाहा के गांव गुरुसर से भारी तादाद में किसान दिल्ली परेड को रवाना हुए। इस दौरान किसानों की ओर से समूचा प्रबंध पहले से ही कर रखा था, जबकि कल शनिवार को भी इसी गांव से अन्य और किसान भी परेड के लिए जा रहे हैं। इस दौरान किसानों की ओर से किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस संबंध में किसान इकाई के प्रधान हरमन सिंह ने बताया कि शुक्रवार को गांव से 2 ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए किसान दिल्ली परेड के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली ठीकरी बॉर्डर पर उनके गांव के 2 दर्जन से ज्यादा किसान हर समय मौजूद रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं उनको गांव वासियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। गिद्दबाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। की नाम है? रंजीत सिंह। ते किन्ना काफला तुरे आज दिल्ली नु? आज 2 ट्रालियां ते 2 ट्रैक्टर गए जी। बहुत हैगे 50-60 जने गए जी। ते बहुत जोश है जी किसानां च, मजदूर सारे ते असीं कल नु जा रहे हैं। साडा भी काफला जाऊ कल नु, 2 ट्रैक्टर है जी ते असीं जीप लैके जा रहे हैं। 5-6 मिनट साडे जोड़ पत्ती ते धन्नवाद। हां जी भाई। हां जी। की नाम है जी? हरमन भाई मेरा नाम, पिंड गुरुसर साडा। ते अज इतों काफले अपने चले है गुरुसर तो दिल्ली वालों। साढ़े पिंडों 4 ट्रैक्टर गए जी, तो नाल उन्होंने 2 ट्रालियां, 50-60 बंदे हो गए। तो दिल्ली वाल अज चाले पाए उन्होंने, बहुत ही जोश है किसानों का। पहला भी गए हुए जी? पहला ही साढ़े 2 ट्रैक्टर उ 4 ट्रालियां, तो 25-30 बंदे तकरीबन होंगे ही है। हफ्ते बाद 10 दिन बाद बंद चेंज हो जाते हैं, वो आ जाते हैं। पहला बंदे नवे बंदे जा बढ़ते तो होर भी जा रहे हैं। कल नू 2 ट्रालियां जी, तो शायद 3-4 ट्रैक्टर कल नू जा रहे हैं। बहुत ही जोश है नौजवानों, आपदी आप ही जा रहे हैं। कोई किसी नू ऐ भी आखना नहीं पै रहा भी लैके जाओ, आपदी आप ही लैके जा रहे हैं। गिद्दड़बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।